बंधुओं विचार करने की बात है, कोई लीला 24 अवतारण का। आज के लोग 24 अवतार के पूजा में लगे हैं, जिसमें 10 मुख अवतार है, 14 उप अवतार है, 10 भगवान है कैबिनेट स्तर के और 14 भगवान है स्टेट स्तर के, उसका पावर थोड़ा कम है। 10 भगवान जो कैबिनेट स्तर के हैं, उसे पहला भगवान है मत्स्य अवतार, भगवान मछली रूप में अवतार लिए और शंखासुर राक्षस को वध किया और वेद को प्रकाश किया। दूसरे भगवान कछुआ अवतार है, जो कछुआ रूप में अवतार लिया, नरकासुर को वध किया और समुद्र मंथन के द्वारा 14 रत्न निकाला। तीसरे भगवान बराह रूप में आए, बराह यानी सुगर, तीसरा भगवान जन्म लिए सुगर रूप में, बराह रूप में और हिरणाक्ष राक्षस को वध किया और विष्टा में छिपी हुई धरती को बाहर निकाला। चौथे भगवान आए नरसिंह रूप में, जो प्रहलाद को रक्षा किया, हिरणकश्यप का कलेजा फाड़ दिया। पांचवे भगवान आए बावन रूप में, जो राजा बलि से छल करके 3 डेग जमीन मांगा और 1 लाख में पताल को भेज दिया। छठे भगवान आए परशुराम रूप में, जो 21 बार धरती को निक्षत्रिय किया, 21 बार उन्होंने छत्री को मारा है, इसलिए कि इनके माँ का नाम था रेणुका और पिता के नाम था जमदग्नि ऋषि, और जमदग्नि ऋषि की पत्नी किसी क्षत्रिय राजा से प्रेम कर रही थी, ये बात जान गए जमदग्नि ऋषि और अपने बेटा से कहा, बेटा तुम्हारी माँ बदचलन हो गई है, जंगल से लकड़ी काट के परशुराम जी आए और जमदग्नि ऋषि ने कह दिया 21 तलवार, पहले तो क्षत्रिय को 21 बार मार के गिराया परशुराम जी और अंत में 1 तलवार में माँ का गर्दन काट के गिरा दिया। सातवें भगवान राम रूप में आए, जो सेत बांध रामेश्वर बांध कर और लंका जाकर पूरे रावण के खानदान को मार के गिराए। आठवें भगवान कृष्ण रूप में आए, जो 16 सहस्त्र गोपी और 8 पटरानी के साथ भोग विलास करते हुए आपको ब्रह्मचारी माना गया। नौवें भगवान लिखा है बौद्ध रूप में आए, जो रक्तवीज दैत को मार के गिराया और जाति पाति का भेदभाव दूर किया। और दसवें भगवान आए नहीं आने वाले हैं, लिखा है उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद एक टाउन है, उसके बगल में संभल एक गांव है, वहां कुमारी ब्राह्मणी के कोख से कलंकी अवतार लेगा, जो कलयुग में कालिंजर राक्षस को मार के गिराएगा। ये 10 भगवान है कैबिनेट स्तर पर और 14 भगवान उप अवतार है, जिसे पहला अवतार मनु जी का है जो जगत की व्यवस्था करने के लिए हुआ, दूसरे अवतार नारद जी का है जो भक्ति मार्ग दिखलाने के लिए हुआ, तीसरा अवतार विष्णु संतोषी का है जो विवेक करने के लिए हुआ, चौथा अवतार हंस अनकादि का है जो सदा 5 वर्ष के बाल्यावस्था में रहने के लिए हुआ, पांचवा अवतार विश्वमोहिनी है जो दैत्यों से अमृत लेने के लिए क्षीर सागर में हुआ, छठा अवतार कपिल जी का है जो देवहूति और कर्दम ऋषि के मेल से हुआ और सांख शास्त्र बनाया, सातवा अवतार वेदव्यास का है जिन्होंने वेद को विभक्त करके 18 पुराण बनाया, आठवां अवतार दत्तात्रेय का है जिन्होंने 24 गुरु करके संसार को उपदेश दिया, जब तक हृदय में शांति न मिले निरंतर गुरु की खोज करनी चाहिए। नौवां अवतार राजा पृथु का है जिन्होंने पृथ्वी को गौ बना के दूहा और औषधि निकाला, दसवां अवतार है ग्रीब का है जो मधुकैटभ दैत को मार के गिराया, 11वां अवतार नारायण जी का है जो धर्म भारजा से तप करने के लिए हुआ, 12वां अवतार सनकादि का है जो विचार करने के लिए हुआ, 13वां अवतार धनवंतरी का है जो रोग नाश करने के लिए हुआ और 14वां अवतार यज्ञमय इंद्र की कन्या से यज्ञ करने के लिए हुआ। इसी 24 अवतार के पीछे ये पूरे दुनिया के लोग पड़ा हुआ और ये 24 अवतार माया का अवतार है, माया ने अवतार लेके तांडव किया, खेल किया और उसी खेल करने वाले को आज लोग भगवान मान के और उसी के पूजा उपासना में सब लोग लगे। 24 अवतार में आपने सुना है 24 अवतार में खून हुआ, 24 अवतार में खून हुआ,
आई खून करने वाले की आज पूजा चल रही है। इससे मुक्ति मांगी जा रही है, इससे बेटा बेटी मांगा जा रहा है, इससे नाती पोता मांगा जा रहा है।